जो हाउसिंग लोन मेरा एक समय करीब 6.75 पे था जो साढ़े आठ नौ पे आ गया वो शायद फिर रिट्रेस होकर साढ़े सात सात पे आ जाए ऐसे में रियल स्टेट को कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स के बाद इस वक्त स्पेशली वो ओवरऑल रियलिटी बिल्कुल दे पाया उसको बिल्कुल देखिए वीरो एक चीज़ मैं कहूँगा ओवरऑल रियलिटी गिरा आज जो गोदरेज प्रॉपर्टी चल रहा है वो एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर कई लोग जब गोदरेज कई लोग हैं जो रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ मुंबई बेस्ड मार्केट में लगाते हैं बहुत लोगों का ये व्यू है कि क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स जाने जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा मतलब मुंबई के रियलटर्स कंपेयर टू तो अदर प्लेसेस इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस रहता है तो उसके लिए ओबरे वाले निकल कर थोड़ा सा गोदरेज प्रॉपर्टीज में डाल रहे हैं लेकिन कल भी जो हमारी बात हुई थी कि ये वन वन ऑफ क्वार्टर अलग बात है लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है डीएलएफ के भी नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं सेक्टर का मोमेंटम स्ट्रांग है इस बीच में इनको लेने का तरीका यही होगा जब इस तरीके की डिक्लाइन आएगी जैसे अब ओबरॉय है ना ओबरॉय लेने का तरीका आपको अभी अगले पाँच छः दिन में ही मिलेगा उसके बाद एक बार चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो हाथ से बाहर निकल जाएगा इनफैक्ट इसका इसका आप फिफ्टी टू हाई लो प्लेट देखिए ओबरॉय रियलिटी की ये मैं एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ सात दिन में भी ये स्टॉक पंद्रह गिर चुका है ठीक है ना अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज की आज आपको ले लेना लेकिन एक अगर आप एक एस आई पी इन्वेस्टर हैं और आपका व्यू ये है कि अब रियल एस्टेट यहाँ से अच्छा चलेगा तो रियल एस्टेट के टॉप पिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओवरऑय ना हो ठीक है पंद्रह सौ पिचासी वाला अब तेरह सौ पे आ गया क्या ये इस साल वापस पंद्रह सौ पिचासी क्रॉस करेगा मेरे ख्याल से तो करेगा ये मेरा कन्विक्शन है अब हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन अप्रोच यही रहेगी कि इसमें जब ख़राब न्यूज़ आए ना तब आप लें वो एक अप्रोच जो है वर्क करेगी डीएलएफ में भी ये अप्रोच वर्क की अगर आप डीएलएफ का भी चार्ट देखें देखेंट दस परसेंट तक की भी करेक्शन आई है इस साल तो उन डिप्स पर लेने में अगली रैली में आपका पैसा बन रहा है क्योंकि माइक्रोप्लेट वर्क है इस समय रियल एस्टेट तो जैसा आपने बोला आइसिंग ऑन द केक रेट कट्स इस साल hmm. बिल्कुल ऐसे ही कुछ हादसे थे इस बाज़ार में चाहे वो ओबरा रियलिटी हो पॉली कैब को लेकर आएंगे हालांकि देखिए पॉली कैब उस चार दिन के ब्रेकडाउन के बाद अभी तक उभरा नहीं है आई मीन उभरने के लिए मेरी डेफिनेशन यही होगी कि एटलीस्ट अपने बड़े एवरेज को रीगेन करे टू हंड्रेड एक्सपोशल एवरेज को, को एटलीस्ट शमिला आ, पॉली कैब में आप लोगों ने कोई व्यू बनाया है प्राइस देख लग रहा है कि अच्छा अच्छा आप माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा अमरीश बाली का है अमरीश आप लोगों ने अभी पॉली कैब पर कोई व्यू बनाया इस प्राइस पर व्यू तो है क्योंकि जो जिस आपके थे, नेग, हम ने चार हजार के आसपास का प्राइस देखा उसके बाद अच्छा बैक देखा पर मैं ये बैक है टाइम भी क्योंकि प्रेशर तो रहेगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल in इन्वेस्टर्स है बिकॉज ऑफ ऑफ टाइम तो मुझे लगता है कि वी कैन सी लेवल्स ऑफ क्लोजर टू थर्टी फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड लेवल